क्या इंडियन बॉयज ला लीगा और इंग्लिश प्रीमियर लीग खेल सकते हैं? गए 3-4 वीडियो से बहुत लोग ये सवाल किए जा रहे हैं मुझे मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम मैसेंजर पे ये क्वेश्चन आ रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं सभी इंडियंस यूथ फॉलोअर्स को कहना चाहूँगा, प्लीज़ ये वीडियो पूरी तरह देखिए आप, बिकॉज एज अ कोच मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, पूरे इंडिया का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ मैं, तो बिल्कुल भी ये वीडियो स्किप ना कीजिए, हर एक चीज़ ध्यान से सुनिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। हेलो, माई सेल्फ कोच रोहन जगताप, वेलकम टू आर निर्मिक यूनाइटेड चैनल। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर है प्लीज़ हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ऑल प्ले, ताकि आपको सब ओल्ड वीडियोस पता चले। यहाँ से हम आपको इंडियन फुटबॉल के अवेयरनेस के बारे में बताना चाहते हैं। हमने जो एक्सपीरियंस किया है पूरे इंडियन फुटबॉल में, हम नहीं चाहते कि आने वाले जो यूथ जनरेशन है वो बच्चे डर डर के ठोकरे खाए और फ्रस्ट्रेट होके रो रो के फुटबॉल खेलना छोड़ दें। जो बैड पैच हम लोग ने देखा है इंडियन फुटबॉल के, जो क्लोजली हम लोग ने एक्सपीरियंस किया है, हम नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे के ऊपर ये दिन ऐसे बुरे दिन बीते या उनके पेरेंट्स के ऊपर इतना उनके जो उम्मीदें टूट जाए। ओके, ये जो कुछ भी हम बता रहे हैं बहुत सोच समझ के पूरे फैक्ट और रियलिस्टिक पे बात करते हैं हम। मैं ट्रूथ के ऊपर बहुत से आपको हर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और बहुत से फैंस और यूथ ने हर एक चीज़ एक्सेप्ट करना चालू किया है। अभी हम हमारे इंडियन लड़के इंग्लिश प्रीमियर लीग ला लीगा खेल सकते हैं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आप खेल सकते हो, बट आप निचले डिविजन्स पे खेल सकते हो। हम स्टार्ट कर सकते हैं 6, 7, 8, 7, 6 डिविजन से। अंटिल दिस आप बहुत टॉप क्वालिटी प्लेयर हो तो आप स्ट्रेट अवे थर्ड डिविजन में आ सकते हैं, जिसको स्पेन में तर्सेरा कहा जाता है, आप थर्ड डिवीजन में खेल सकते हो। बट इंडियन टीम, कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर इंडियन टीम का टॉप लिवरपूल या मैन सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसे टॉप टीम में नहीं खेल सकती है। बहुत टेक्निकली करेक्ट आंसर बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया का रैंक नहीं है। ये रूल मैंने या किसी और ने नहीं बनाया, ये खुद फीफा ने बनाया। फीफा का बहुत क्लियर है, और इवन चैंपियन लीग यूएफए, इन्होंने बहुत क्लियर इंडिकेशन रखे। जो वर्ल्ड की टॉप 30 कंट्रीज़ है, 30 to 35 कंट्रीज, वही कंट्री के क्लब्स के प्लेयर्स, वो कंट्री के प्लेयर्स ऐसे टॉप क्लब्स के लिए खेल सकते हैं। हाँ, अगर कोई इंडियन देश छोड़ के चला जाता है और वहाँ पे कोई पर्टिकुलर यूरोपियन कंट्री में सिटीजनशिप लेता है, वहाँ पे बहुत डेवलप करता है, तब ऐसे हम इंडियन प्लेयर को हम वहाँ के टॉप क्लब्स में देख सकते हैं। हमने देखा भी है हमजा चौधरी जो लेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में, अभी तो फिलहाल बेंच में बैठे हैं। ऐसे बहुत से जो इंडियन प्लेयर्स हैं जो प्रीमियर लीग खेल चुके हैं। सो हम जो टेक्निकली बात करते हैं, आपको इसका अवेयरनेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़, मैं तो चाहता हूँ कि आप ऐसे किसी की अनाप शनाप बातें मत सुनिए, और कुछ भी फेथ और कुछ भी ड्रीम मत कीजिए। हम कुछ भी ड्रीम करते हैं, मैंने ऐसे ऐसे प्लेयर्स देखे जो कुछ भी बात करते हैं कि सपना देख रहा हूँ कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, बारसा में चला जाऊंगा, बार्सिलोना में सेलेक्ट होके वहाँ के बड़े डायरेक्ट पेरेंट्स मेरे खुश, पूरा देश खुश। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप बारसा के इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हो तो वहाँ का ला मासिया बंद होना चाहिए। तो वहाँ पे जो पेड्री, गैवी जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, इनेस्ते, वो लोग तो फिर स्पेन के घर के अंदर ही सोने चाहिए। उनको पता है इंडिया से बहुत टॉप क्लास प्लेयर्स आ रहे हैं। प्लीज़ डोंट फील बैड, मेरा कोई इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं है। मैं वापस रिपीट करना चाहता हूँ, हमारे देश कब इंग्लिश प्रीमियर लीग और ला लीगा में खेलेगा? जिस दिन हमारे देश का रैंक टॉप 30s और 35 के बीच में होगा, उस दिन आपको हर एक प्लेयर्स इंडिया के जो टॉप क्वालिटी प्लेयर्स हैं वो प्रीमियर लीग में खेलते हुए दिखेंगे। तो क्यों नहीं हमारे सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह जो हमारे जो टॉप क्वालिटी गोलकीपर और प्लेयर्स रह चुके हैं इंडिया के, वो क्यों नहीं हमें आज मैन सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल में खेलते हुए देखें? सो प्लीज़, टेक्निकली ये करेक्ट आंसर है, ये फीफा का रूल है, ये यूएफए का रूल है। होप सो आपको ये वीडियो से एक करेक्ट नॉलेज में आ रही है। किसी भी अनाप शनाप यूट्यूब का चैनल देख के आप कुछ भी किसी को अनएथिकली फॉलो ना कीजिए। प्लीज़, मैं अपने फॉलोअर्स के और जो न्यू फॉलोअर्स उनको बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी आप ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट मत कीजिए। अगर इतना आसान होता आज हमारे इंडियन टीम के हर एक प्लेयर्स आप प्रीमियर लीग में खेलते हुए दिखते थे। होप सो आपको इसमें से बहुत करेक्ट अवेयरनेस और प्रॉपर नॉलेज जा रही है।
आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि इंडिया कब कैसे फीफा वर्ल्ड कप खेल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय। थैंक यू सो मच।